फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बना रही हूँ पास्ता। तो पास्ता उबालने के बाद मैंने छौंक में जो पास्ता बना दिया है, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, तो पानी थोड़ा देर में गल जाएगा। इसके बाद मैं पास्ता में डाल दूँ थोड़ा सा सॉस। अच्छा, ये सारी साफ कर दी, बर्तन रह गए, मैं खाना खाना बाकी रह गई, अब तो सारा काम हो चुका है। फिर तो खाना खा के गए हैं, तो अब देखते हैं मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। फिर मुझे रिसीव हुआ था एक पार्सल, तो पार्सल ओपनिंग करने की भी वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। बिकॉज़ पार्सल बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं और इसकी पैकिंग कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी। इसमें निकले थे ग्लास के बैंगल्स, बहुत ही प्यारे सुंदर थे बैंगल्स, कोलाब्रेशन में आए हैं। और इंस्टा आईडी पर मैंने गुंजन शेखावत 15 पर मैंने मेंशन भी किया है कौन सी आईडी से आए हैं। बहुत ही प्यारे कलेक्शन है, बहुत ही अच्छे सुंदर थे। फिलहाल मैं आई हूँ जीजा के, वहाँ पर सोनम भाई सके हुआ है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा बेबी बॉय, उसको देखने के लिए। ये देखो हम दोनों की पिक्स, बहुत ही प्यारा बेबी है, सुंदर सा। ये देखो फोटो भी मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ, वाओ सो स्वीट। अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो मटर पनीर, मटर ये रही और पनीर ये हो, ये मैंने ग्रेवी बना ली है। देखते हैं अब आगे, कोई गेस्ट आए हैं तो मटर पनीर तो बनता है बनाना। ये मैंने मटर निकाल लिए, मटर तो मैंने डाल दिए और अब ये इस टाइप से खदक जाएगी ना थोड़ी सी, और मटर भी सीज जाएगी थोड़ी सी, तब मैं इसमें एंड में पनीर डाल दूँगा। पनीर को कट कर लिया मैंने, निकाल लेते हैं। कई लोग जो हैं वो उनको मतलब फ्राई करके डालते हैं, बट मुझे फ्राई करके ऐसे लगता कच 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 कच, तो मैं ऐसे ही डालती हूँ उसको, कट कर लेंगे उसको। बैठी हुई हूँ और बच्चे खेल रहे हैं और रोटी बनाने के लिए सोच रही हूँ, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, बैठी हूँ आराम से। लोगों के जब व्यूज़ मिलियंस में सब्सक्राइबर देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होती हूँ मैं कि वो किस टाइप से रील्स बनाते हैं, आई डोंट नो। बट स्ट्रगल तो स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल तो सभी करते हैं, बट मैं कई बार डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ, कई बार मोटिवेट भी हो जाती हूँ कि हाँ चलो कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो क्या पता रिजल्ट मिलेगा ही। सुपरमैन, ये तो सुपरमैन बन के फिर रहे हैं। अभी कितना ही कर लो, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या से थकान सी हो जाती है, पूरे दिन बस खड़े खड़े हो जाती है। और बस कैसे ही अभी किसी मतलब सोनम के लड़का हुआ था उसको देखने गई थी, बेबी हुआ है, चलो दो लड़कियों के बाद एक लड़का हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है सर्वाइव करना, बिकॉज लोग ताने मार मार के भी इंसान मार देता है। और एक्चुअल में हाँ, मैं आपसे कुछ टॉपिक बोल रही थी कि लोग मतलब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मैं ये समझ में नहीं आता कि मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जी तोड़ मेहनत की होगी, उसके बाद ही वो मिलियंस हुए होंगे। अब देखो मैं भी देखो मेहनत कर रही हूँ, मेहनत इन द सेंस आई डोंट नो, कहीं ना कहीं तो कोई कमी होगी, मेरी आईडी में कमी होगी या मुझ में कमी होगी या मेरी वीडियोस में कमी होगी। आईफोन से मैं बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो कुछ लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी भी हो सकता है, और तो क्या हो सकता है रीज़न। बट स्टिल मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रही हूँ क्योंकि मेरे जो चैनल है उसमें वो आ रखा है
कॉपीराइट आरकता 1 मिलियन शॉर्ट पर हो गए थे व्यूज, बट आई डोंट नो क्यों मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ ही। मेरे दो दो चैनल बनाए, किसने बोला कि आप दूसरा चैनल बनाओ, मैंने दूसरा चैनल बना लिया, तीसरा चैनल बना लिया, व्यूज़ कहाँ से लाऊँ मैं, व्यूज़ समझ में नहीं आता। आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए मेरे, आप देखिए मत मेरी शक्ल, आप उनका फ़ोन चालू करके रख दीजिए, मेरे को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। मतलब अगर हम कोई चीज़ मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट भी आई होप कि मिलेगा कहीं ना कहीं, तो ट्राई कर रहे हैं फिलहाल, देखते हैं, जुड़े रहिए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। शिवा गंदा है ना, शिवा बहुत गंदा है। तो गाइस अभी मैं लगा लेती हूँ आटा, तो आटा तो बेसिकली मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे आटा लगाने में। मेरी सिस्टर जो है वो कहती है कि बहुत अच्छा मतलब आटा लगा लेती है तो फटाफट, बड़ी बड़ी उंगलियाँ हैं, बट मेरी कोई बड़ी उंगली नहीं है, जितनी होती उतनी ही है बट पता नहीं थोड़ा बहुत भी फर्क आता होगा। और सुनाइए आप कैसे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दो तीन बार तो मैं ब्लॉग में ये पूछ लेती हूँ आप कैसे हो, मैं कैसी हूँ, क्योंकि मैं कुछ पूछ ही नहीं पाती हूँ। आटा लगा लेती हूँ, आटा लगाने में पूरा जान निकालनी पड़ती है, थोड़ा पानी डाल के फिर आटा मीट लेते हैं। कई लोग आटा मीटना कहते हैं, कहीं आटा लगाना कहते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं, सब जगह अलग अलग मतलब तरीके से बोलते हैं। पता नहीं सबका अलग अलग तरीका है बोलने का, हर भाषा का अलग अलग अपना प्रोनाउंसिएशन होता है। मेरे को तो जो आता है, मेरे तो हिंदी, मारवाड़ी, इंग्लिश और दिल्ली वाली लैंग्वेज सारी मिक्स हो रखी है, बड़े मिक्स करती हूँ। मुझे हिंदी में बात करनी हो तो हिंदी में करती हूँ, थोड़ी थोड़ी जगह अगर मारवाड़ी बोलनी है तो मारवाड़ी बोल लेती हूँ, और बाकी नॉर्मली जो भाषा होती है वो तो हिंदी इंग्लिश कॉमन है, वही बोलते हैं सब लोग, और तो कुछ है नहीं स्पेशल। ये क्या किया आपने, बंद करो। अब क्यों खोल रहे हो बार बार, चुन्नी फट जाएगी मेरी, बंद कर दो। बनाते बनाते मुझे आने लग गया नींद, फिलहाल तो मैं रोटी बना ही लेती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, सुबह स्कूल जाना है बच्चों को, जल्दी सो जाएंगे तो जल्दी उठ जाएंगे, अदरवाइज ना मैं उठूँगी ना ये लोग उठ पाएंगे। तो गाइस रोटी बना के बच्चों को दे देती हूँ, बच्चों के पापा आके वापस चले गए उनके फ्रेंड के साथ में, वो लोग आएंगे जब। उसके बाद मैंने सबको खाना पीना खिला के और सो गई थी मैं। टाटा बाय बाय।